यहाँ पे जो एसी वेंट्स देख रहे हैं ये आपको मर्सिडीज जैसे थोड़े से लगेंगे, क्योंकि दूर से जैसे कि आप देखेंगे तो मर्सिडीज। गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक और कार का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है सिट्रियन बसाल्ट। तो जिसने भी ये कार देखनी है या लेनी है या इस रेंज की कोई भी कार देख रहा है तो वो इस कार को देख सकता है, क्योंकि बहुत ही कम वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर इसकी। तो आप इस कार को इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। फ्रंट से कुछ ऐसा सा लुक आ जाता है कार का, सिट्रियन बसाल्ट, एलईडी हेडलाइट्स सब कुछ इसमें इनबिल्ट ही है क्योंकि ये टॉप मॉडल है, और ग्लॉस का फिनिश काफ़ी जगह यूज़ कर रखा है इसमें। रेड कलर में काफ़ी शाइन कर रही थी कार, और इसका रेड भी बिल्कुल रेड नहीं है, कुछ अलग कलर बोलते हैं इसको। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। बाकी कार सामने से कुछ ऐसी सी लगती है। इस कार में 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, साइड से कुछ ऐसा सा लुक आ जाता है कार का, और यहाँ पे आपको ग्लॉस फिनिश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं दिया जाता, और साइड से कूपे शेप आप वीडियो में देख ही सकते हैं, और बिल्कुल टाटा की तरह इन्होंने कूपे शेप बना रखी है जैसे टाटा कर्व की है। पीछे से कुछ ऐसी सी है कार, बसाल्ट की बैचिंग आप देख सकते हैं, सिट्रियन की बैचिंग आप देख सकते हैं, और लाइट्स भी काफ़ी अच्छी इसमें इंस्टॉल करी गई हैं, और रेड कलर जो कि ग्लॉस फिनिश के साथ है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, और ऊपर आप देख सकते हैं कि कूपे शेप है, तो ये भी काफ़ी सही है। आजकल लोग कूपे शेप की कार्स भी निकालने लग गए हैं, लैम्बोर्गिनी उरस की तरह। बाकी आपको कार पीछे से कैसी लग रही है? ऐसी सी कुछ की देखने को मिल जाती है इसकी, सिट्रियन बसाल्ट की, तो काफ़ी नॉर्मल सी की है, आप देख ही सकते हैं। कि फ्रंट डोर की बात करें तो फ्रंट डोर में वही नॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं जो विंडोज़ के कंट्रोल होते हैं, और साइड में यहाँ पे लेदर काफ़ी अच्छा यूज़ कर रखा है, और बॉटल होल्डर दिया हुआ है इसमें। अब अंदर बैठ के देखते हैं। तो गाइस फ्रंट से कुछ ऐसी लुक आ जाती है कार की। तो जैसे ही मैं अंदर बैठा, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे बैठा हूँ इसके अंदर, तो ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील मिलता है इसका, लेदराइज्ड पूरा स्टेयरिंग व्हील होता है इसका, और यहाँ पे एसी वेंट्स इसके काफ़ी डिफरेंट से दिए हुए हैं। तो और यहाँ पे नॉर्मल जैसे हेडलाइट कंट्रोल होता है और इंडिकेटर होता है, और यहाँ पे ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ये टच पैनल दिया हुआ है सारा इन्होंने, और यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स, ऐसा लग रहा है कि ये चार एसी है लेकिन चार एसी नहीं है, ये पूरा एक एसी है, एक वेंट है, ये पूरा एक वेंट है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शन आ जाते हैं इसके एसी, ये तो एसी की ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल के फंक्शन है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी हुई है कुछ रखने की, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं ऑन ऑफ का, और यहाँ पे दो कप होल्डर दिए हुए हैं, और ऐसा कुछ इसका गियर नोब आ जाता है, और ये है PRN, वही से अब मेरे ख्याल से AMT है, पता नहीं कौन सा है, मैं एक बारी ना पूछ के, मेरे को तो AMT लग रहा है वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी आप कमेंट में बताना कि कौन सा है। तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाता है इसका, डैशबोर्ड भी काफ़ी मतलब प्लास्टिक यूज़ कर रखा है इसमें, कोई लेदर नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी हुई है, और यहाँ पे अगर हम इसकी डैशबोर्ड की बात करें यहाँ पे तो काफ़ी स्पेस है, तो ये भी काफ़ी सही है, और कार बैठने में कुछ ऐसी लगती है। तो स्टेयरिंग पे भी काफ़ी बटन दिए हुए हैं इन्होंने, मेन्यू के, ओके के, ये सब, और यहाँ पे इन्होंने आर्मरेस्ट दिया हुआ है, और आर्मरेस्ट तो चलो ठीक है, लेकिन जो ये सीट है ये काफ़ी मतलब काफ़ी प्रीमियमनेस सी फील होती है इस सीट पे ना, मतलब काफ़ी अच्छी सीट कवर यूज़ कर रखा है इसमें, लेदराइज सीट मिल जाती है, यहाँ पे भी लेदर का फिनिश मिल जाता है, और यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल है, ये थोड़ा ग्लॉस का ट्रीटमेंट दिया हुआ है इन्होंने, और ये हैंड ब्रेक नॉर्मल ही है, और स्लाइड करने वाला आर्मरेस्ट है, और ऐसी कुछ स्पेस आ जाती है आर्मरेस्ट में, ये जैसे आगे करके बैठ सकते हैं। तो ये कंपनी का लोगो, तो काफ़ी कम कार्स होती है ना इस कंपनी की, तो मैंने सोचा कि इस कंपनी की वीडियो बना दें। नॉर्मली IRVM दिया हुआ है इसमें, कोई मतलब वो नहीं है ऑटो डिमिंग वाला, और यहाँ पे हेलोजन ही इसमें लाइट मिली हुई है, यहाँ पे कैबिन लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर नहीं दिया हुआ, टिकट होल्डर भी नहीं है इसमें। और अगर हम बात करें पीछे, पहले पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको, कुछ इसका टच स्क्रीन आ जाता है यहाँ पे, जैसे सारा कुछ है, ये वॉल्यूम के कंट्रोल भी है यहाँ पे, तो होम दबा देते हैं, तो ये सारा टच स्क्रीन है इसका। और अगर हम इसके ऑडोमीटर की बात करें तो ऐसा कुछ ऑडोमीटर आ जाता है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेट्रोल का है, और वहाँ पे है, थोड़ा जूम करके दिखाऊँ मैं, और वहाँ पे कूलेंट वगैरह का जो भी है सिस्टम, तो ऐसा कुछ डिजिटली, फुली डिजिटल इसका ऑडोमीटर है। तो काफ़ी अलग सा लगता है आपको जब आप बैठोगे ना कार में, इसको ऑन करोगे तो काफ़ी अलग सा लगेगा आपको, किसी और कंपनी से मैचिंग नहीं लगेगा, जैसे किया और हुंडई का सेम लगता है ना अंदर से इंटीरियर थोड़ा सा, तो इसका वैसा नहीं लगेगा। और स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस कार का ना, काफ़ी मतलब लेदराइज्ड और ईजी टू हैंडल है, मतलब
सही है, अच्छी बात है। के बैक डोर की बात करें तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत लेदर का फिनिश मिल जाता है व्हाइट कलर में, नीचे ग्लॉस भी दिया हुआ है और स्पीकर दिया हुआ है, बॉटल होल्डर दिया हुआ है। तो अब अंदर बैठ के देखते हैं। जैसे मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ तो कार में काफी अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है आपको। ये सीट मैंने एडजस्ट कर दी थी अपने हिसाब से, तो उसके बाद भी काफी बढ़िया लेग स्पेस देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। और यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हुए हैं, इसको मतलब ब्लोअर से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको हेडरूम भी काफी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिलेगी। और अगर बात करें कि तीन बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं, मेरे को तो इनका जो लेदराइज्ड ये सीट कवर है ना, काफी अच्छे लगे। मतलब वाइट है, चलो गंदे हो जाएंगे वो अलग बात है, वो तो केयर करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छा कलर और काफी अच्छा लेदर यूज कर रखा है इसमें, और बीच में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। और अगर पीछे से बात करें यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि कूपे शेप दी हुई है इसमें, और बाहर से आपने देखी लिए वीडियो तो उसमें कूपे शेप आपको लग भी रही होगी। यहाँ पे भी हम सामान समून कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो सामान रखा नहीं जाता इसमें क्योंकि वो पीछे देखना पड़ता ना, तो यहाँ पे देखता नहीं अच्छे से, तो ऐसी कुछ पीछे स्पेस आ जाती है और पीछे से कार ऐसी लगती है, और पीछे से आगे अगर देखे तो कार कुछ ऐसी लगती है। और मेरे को तो वही जैसे मर्सिडीज में नहीं आते एसी वेंट्स, चार अलग वैसी लगे जा रहे थे मेरे को तो, पर वो लेकिन अलग नहीं है, वो दो एसी वेंट्स है, तो ऐसा कुछ आगे से फ्रंट लुक आ जाता है। डिक्की ओपन करके आपको स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है इस कार में, मुझे लगता नहीं था कि इसमें इतना स्पेस मिलेगा, लेकिन काफी ज्यादा स्पेस दिया हुआ है इसमें। नीचे स्टपनी भी दे रखी है, लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत लगी जो कि डिक्की खोलते ही कोई लाइट नहीं है, मतलब लाइट बाहर है, डिक्की के अंदर कोई लाइट नहीं है अगर कोई सामान लेना हो तो। कंपनी ने, सिट्रॉन कंपनी ने बसॉल्ट नाम पता नहीं क्यों रखा है, और काफ़ी यूनिक सा नाम है, डिफरेंट सा नाम है, और आसानी से लिया भी नहीं जाता अगर देखा जाए इंडियन उसके हिसाब से। तो ऐसी कुछ, ऐसा मैंने बताया था कि ग्लॉस का फिनिश काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, साथ में मैट का फिनिश भी है साइडों पे। और आगे फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी ग्लॉस का फिनिश आप सिट्रॉन कंपनी के साइड पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ग्लॉस यूज़ कर रखा है इन्होंने, और रेड कलर, वाइट कलर, काफ़ी कलर्स। इसकी लाइट्स ऑन कर दी है, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स जो हमेशा ऑन रहेगी ये वो है, तो इस लाइट के साथ काफ़ी बड़ी सी कार लग रही है मेरे को तो। जैसे लाइट्स कुछ ऐसी लगेंगी आपको, पीछे इन्होंने एलईडी शायद नहीं दी है, अगर किसी को पता है दी है कि नहीं कमेंट में बता देना, मेरे को तो हेलोजन ही लग रहा है। तो अब ओवरऑल कार की प्राइसिंग की बात करें तो ये मॉडल आपको, ये टॉप एंड वेरिएंट है, ये आपको 15.5 का चंडीगढ़ में पड़ेगा ऑन रोड, और एक्स शोरूम ये स्टार्ट हो जाती है 7.8 समथिंग से। तो और इसमें 1200 सीसी का इंजन है, और कंपनी क्लेम करती है इसमें 19 से 20 की एवरेज जो की है पेट्रोल में, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती हैं। और आप कार को देख सकते हैं, कूपे शेप है इसमें, डिफरेंट लगती है रोड पे चलती हुई भी, तो अगर किसी ने भी नई कार लेनी है तो एक बार इसको देख सकता है, अंदर बाहर से मैंने आपको कार दिखा दी है। गाइस होपफुली आपको वीडियो थोड़ी बहुत बेनिफिशियल लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना जैसी भी लगी हो, और कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हो आप, और ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।